नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और आज मैं बात कर रहा हूँ बाइक बोर्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों, बाइक बोर्ड कंपनी की सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि गर्वित इनोवेटिव्स कंपनी के मालिक संजय सिंह भाटी और उनके सिपा सलार विजय कसाना, इन दोनों के ऊपर 5 मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। और आज सबसे बड़ी बात है कि बाइक बोर्ड कंपनी के निवेशक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मगर उस मामले में पूरी तरीके से लीपापोती हो रही है। एसआईटी की जांच से बाइक बोर्ड के निवेशक संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का काफ़ी ढुलमुल रवैया नज़र आ रहा है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाइक बोर्ड कंपनी के ऊपर सबसे पहला और सबसे बड़ा खुलासा मैंने मातृभूमि टीवी के ऊपर किया था, जब सेना के जवानों ने मुझसे गुहार लगाई थी कि मैं इस मामले का पूरा खुलासा करूं और मैं ही पूरे देश तक खबर पहुंचा सकता हूं, बाकी लोग सुनने को तैयार नहीं थे। लाख धमकियों के बावजूद भी मैंने संजय सिंह भाटी, उनके भाई आदेश भाटी, इन लोगों ने कई तरीके से मुझे धमकी देने की कोशिश की थी, लेकिन मैं फिर भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा। और अंत में एक ऐसा समय आया कि इनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल 38 लोगों के नाम FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें 10 लोग इस समय जेल में हैं और 28 लोग जेल से बाहर हैं। जिन लोगों का नाम अभी आरोप दर्ज किया गया है, उसमें बी.एन. तिवारी का नाम भी है, संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल का नाम भी है और पीए रीता चौधरी का नाम भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 आरोपी अंदर हैं, उसके बाद बाहर के 10 आरोपियों पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। और आने वाले समय में जल्द से जल्द ये लोग सलाखों के पीछे होंगे और बाइक बोर्ड के निवेशकों को इंसाफ मिलेगा।